तो मिनिस्ट्री ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की स्टार्ट की थी। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का जो टाइम पीरियड था बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद, बिकॉज मोहम्मद अली ने शॉर्ट लेफ्ट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 47 से लेके 48 में जिन्ना की डेथ हुई, 3 ही दिन बाद जो है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो है ही वॉज अपॉइंटेड रहता था गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने तो ये लियाकत अली खान तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ही थे, तो उस टाइम के हिसाब से गवर्नर जनरल का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा। अब क्योंकि जो हम 73 का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं 1973 का, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट से। अभी आगे जाओगे ये गवर्नर जनरल का नाम चेंज हो जाएगा विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड लियाकत अली खान वॉज अपॉइंटेड वॉज ऑल्सो देयर एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने में भी थे। तो रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैसे इंपॉर्टेंट बना है, इसलिए क्योंकि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वॉज एक्सपीरियंस, बट ही सेड के क्योंकि लियाकत अली खान जिन्ना के बहुत क्लोजेस्ट कंपेनियन थे, तो इसलिए लियाकत अली खान इंपॉर्टेंट डिसीजन बने। इस वजह से इस ज़माने के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अभी कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, तो गवर्नर जनरल ने इजाज़त दी कि तमाम फैसले जो भी करें प्राइम मिनिस्टर करें। अभी प्रॉब्लम क्या थी कि कंट्री वॉज रनिंग विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अमेंडेड इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के मुताबिक मुल्क चल रहा था, तो लियाकत अली खान ने क्विकली अरेंजमेंट्स की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बिठाई गई 49 मेंबर्स की, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाया गया 12 मार्च 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाया गया। और जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो पाकिस्तान में बनने चला जा रहा है, मगर इट फेस अ ग्रेट ओपोजिशन इन इंडिया, ये पाकिस्तान। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका आता है, इसमें ये भी पूछा था व्हाई डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 फेस सो मच ओपोजिशन फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। वजह इसकी ये थी कि भाई पाकिस्तान उस टाइम दो विंग्स में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो ईस्ट पाकिस्तान को जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि ऑल मैन एंड राइट्स इक्वल होंगे, उर्दू वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, और इक्वल जो है इलेक्शंस होंगे, दोनों जगह से सीट्स को इक्वल रखेंगे। तो ईस्ट पाकिस्तान ने कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों रख रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है। तो ईस्ट पाकिस्तान ने इसलिए मना किया। उनका दूसरा इख्तलाफ था कि आपने उर्दू को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि उर्दू 7% बोली जाती है, 56% बंगाली बोली जाती है, तो आप बंगाली को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं। तीसरी बात जो है उलमास पे जब आ जाएं, तो उलमास ने भी जो है इसको कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इस्लामिक है, इस वजह से हम इसको अपोज करते हैं। और प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस ने इन्होंने कहा कि हेड ऑफ स्टेट को पावर ज़्यादा है, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर पावर्स बहुत कम है, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही रिजेक्ट हो गया, तो लियाकत अली खान ने फर्दर कंसिडरेशन के ऊपर डाल दिया। तो ये क्वेश्चन आता है साथ में का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने क्विकली जल्दी से अरेंजमेंट्स की, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए उन्होंने प्रोडा बनाया, क्योंकि मुल्क में जो डिपार्टमेंट्स थे करप्शन को हटाने के लिए इन्होंने प्रोडा बनाया। 4 मार्क का सवाल अक्सर ये आता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जिसको कहते हैं, अंडर दिस कोई भी ऑफिसर, इफ़ एनी ऑफिसर फाउंड गिल्टी और चार्ज इन्वॉल्व इन टू द करप्शन, वो ऑफिसर डिग्रेड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और कंप्लेंट्स डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को की जाएंगी। तो इन्होंने करप्शन को हटाने के लिए, हालांकि दिस सिस्टम वॉज नॉट सक्सेसफुल। लियाकत अली खान ने रेफ्यूजी प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर्स आना जाना, द इंडियंस वर फ्लीडिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तानीज वर फ्लीडिंग टू इंडियंस, तो उन्होंने एक वीज़ा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कंट्रीज में बॉर्डर्स लगाए कि जो कोई इंडिया में अब वो इंडियन है, जो कोई अब पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में दीज वर द रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। लियाकत अली खान ने, ये भी 4 मार्क का सवाल आता है, लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया, या इसको हम माइनॉरिटी पैक्ट भी कहते हैं। आखिरी में बेचारे लियाकत अली खान को असैसिनेट होना पड़ा, जो कि रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी है। सर डोगलास ग्रेसी को रिप्लेस किया अयूब खान ने, तो अयूब खान जो है पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान में, जो कि बहुत सारे उस टाइम आर्मी पॉलिटिशियंस, तमाम ब्रिटिशर्स जो है आर्मी ऑफिसर्स, जो हमने प्रॉब्लम फेसिंग पाकिस्तान में पढ़ा था कि जिन्होंने 500 आर्मी ऑफिसर्स मंगवाए थे, सारे ऑफिसर्स जा चुके थे। अब ज़्यादातर बाय 1950 सारे जितने भी ऑफिसर्स थे वो पाकिस्तानी थे, बहुत सारे आर्मी जो ऑफिसर्स थे वो खुश नहीं थे। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, जो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के
पहला अटैक में तो लियाकत अली खान बच गए, मगर दूसरे अटैक में लियाकत अली खान को लियाकत बाग में असैसिनेट कर दिया गया। इसी कॉन्स्पिरेसी पकड़ी जनरल अयूब खान ने 21 मेंबर्स को, 14 मेंबर्स को या 15 मेंबर्स को अलग अलग नोटिंग है, अरेस्ट किया गया, जिसमें जनरल अकबर खान भी थे। तो दिस वॉज द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन फ्राम 1948 टिल 1951।